दोस्तों आज लेके आए हैं 4 टाइम प्रेसिंग वाला पानी पूरी का मशीन, जिसमें आप पानी पूरी, नीमकी, खाखरा, रोटी, नमक पारा, शक्कर पारा, मटरी पूरी, सब कुछ है, फर्सी पूरी सब कुछ है मशीन में, आप इजीली बना सकते हो। इसके अंदर 4 बार प्रेसिंग होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे 4 टाइम प्रेसिंग सिस्टम दिया हुआ है। 1 टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरी टाइम यहाँ पे प्रेसिंग रोलर दिया हुआ है, तीसरी टाइम यहाँ पे प्रेसिंग रोलर दिया हुआ है, और चौथा यहाँ पे बड़ा वाला प्रेसिंग सीटर मशीन दिया हुआ है। दोस्तों ये 4 बार प्रेस होके इसके अंदर से हम आपको नीमकी निकाल के दिखाएंगे। आज हम आपको आटा लगा के दिखाएंगे किस तरह से इसका आटा लगता है, मैदा लगा के, गूंथ के मैदा इसके अंदर से डाल के दिखाएंगे, और आपको इसके अंदर से नीमकी काट के दिखाएंगे कि नीमकी किस तरह से कटिंग होगी। हमने स्पेशल डिज़ाइन किया है नीमकी के रोलर, हमने डिज़ाइन किया है, आप देख सकते हो एक वर्टिकल कटिंग होगा, एक ओरिजेंटल, आप पूरा डेमो आपको दिखाने वाला है दोस्तों। तो हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसका मैदा किस तरह से गूंथते हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये 5 किलो का आटा गूंथने का मशीन है, अभी हम इसके अंदर मैदा गूंथ के दिखाएंगे। देखो ये मैदा डाल दिया, मैदा गूंथ के आपको उसमें थोड़ा सा हल्का सा तेल डाल के, पानी डाल के आटा गूंथ के दिखाएंगे, और अभी फिर वो जो हमने मशीन दिखाई वो मशीन के अंदर डाल के क्या क्या चीज़ निकाल सकते हो सब दिखाएंगे। आप उसके अंदर पानी पूरी निकाल सकते हो, मटरी निकाल सकते हो, नीमकी निकाल सकते हो, शक्कर पारा, नमक पारा, बहुत सारी आइटम इसके अंदर निकाल सकते हो। अभी देखो ये 5 किलो का आटा मशीन में हमने आटा डाल दिया, अभी इसके अंदर हम पानी और तेल डालेंगे, 5 मिनट के अंदर ये आटा गूंथ जाएगा। हमारे पास 5 किलो से लेके आपको 300 किलो तक सब मशीन मिल जाएगी। देखिए ये अभी तेल डाल दिया, और पूरा मशीन ये आप देख सकते हो पूरा बॉडी इसका स्टील का बना हुआ है, और नीचे हमने ब्रेक सिस्टम भी लगाई है। अगर ब्रेक खोल दोगे, देखो ये अभी ब्रेक खोल देंगे तो ये बाउल घूमना चालू हो जाएगा, और अभी इसके अंदर हम पानी डालेंगे। देखो 5 किलो आटा गूंदना रेडी हो चुका है, अभी 5 मिनट के अंदर ये आटा गूंथ के रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हो अभी मैदा हमने डाल दिया है, और ऑटोमेटिक हमने यहाँ पे ब्रेक सिस्टम भी लगाया, ब्रेक खोल दोगे जैसे ही आटा गूंदने का चालू होगा ये ऑटोमेटिक ऐसे घूमेगा, और नहीं घूमने देना है तो नीचे ब्रेक सिस्टम लगाइए, वो ब्रेक लगा दोगे तो घूमना बंद हो जाएगा। आप देख सकते हो 2 मिनट में कैसे आटा गूंथ के रेडी हो चुका है, अभी और 2 मिनट होगा और कंप्लीट ये आटा गूंथ जाएगा। अभी ये बाउल घूम रहा है आप देख सकते हो, और ये बाउल को अगर नहीं घूमने देना है तो यहाँ पे हमने ब्रेक सिस्टम लगाई है, और ब्रेक लगा दोगे तो ये बाउल घूमना बंद हो जाएगा। देखिए अभी ये मैंने ब्रेक लगा दिया तो बाउल घूमना बंद हो जाएगा, और आटे को पूरी तरह से अच्छी तरह से उसको किंडिंग कर देगा। अभी और 2 मिनट में आटा कंप्लीट गूंथ के कंप्लीट रेडी हो जाएगा दोस्तों। देखो 5 मिनट के अंदर ये आटा गूंथ के अभी रेडी हो चुका है, अभी हम ये मशीन से बाहर निकाल देंगे और हमारे जो मेन मशीन है कटिंग वाला वो मशीन के अंदर डालेंगे। देखो आप इसका आटे का क्वालिटी देख सकते हो, एकदम अच्छी तरह से गूंथ के रेडी हो गया है। जैसे हाथ से गूंथे थोड़ा बहुत वो हो जाता है, लेकिन आप इसका क्वालिटी देख सकते हैं कितना बढ़िया आटा गूंथ के रेडी हो चुका है। देखिए इसी तरह मैन्युअली से बाहर निकाल देंगे, और जो हमारी मेन मशीन है उसके अंदर डायरेक्ट ही डाल देंगे। दोस्तों ये पूरा मशीन हमने स्टेनलेस स्टील में बनाया है, क्योंकि ये हमारा मशीन आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, हम सभी देशों में सप्लाई करते हैं, जैसे कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यूएसए, यूके, आपको कोई भी कंट्री में आपके जगह पे ये मशीन को पहुंचा देगा। जो हमने आटा बनाया था वो भी रेडी हो चुका है, ये अभी हम ये मशीन के अंदर डालेंगे। देखिए ये हमने मैदा कम्प्लीट गूंथ के कम्प्लीट डाल देना है, ऐसा ही गूंथा हुआ आटा पूरा इसके ऊपर के अंदर डालना है, ये ऑटोमेटिक इसको प्रेस कर देगा। देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेस होके यहाँ पे अभी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और यहाँ पे हमने कवर भी स्टेनलेस स्टील का मिरर फिनिशिंग का दिया हुआ, आप देख सकते हो मेरा पूरा मिरर फिनिशिंग लगा हुआ है, तो जैसे कांच जैसा फिनिशिंग आएगा, लॉन्ग टाइम के लिए भी आपके लिए अच्छा है, कपड़ा लगाओगे पूरा क्लीन हो जाएगा। और यहाँ पे हमने स्पीड कंट्रोल दिया हुआ है, स्पीड जैसे ही आप कम ज़्यादा करना चाहते हो वैसा स्पीड कंट्रोल यहाँ से कर सकते हो, ये इमरजेंसी दिया हुआ है, जैसे ही इमरजेंसी लगाओगे पूरा मशीन पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। और इसका हमने पूरा पैनल अलग से दिया हुआ है, ताकि आपको इसके अंदर भी कुछ भी प्रॉब्लम आए भविष्य में, 2 साल 5 साल 10 साल बाद कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मशीन को आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए हमने पैनल अलग से दिया हुआ है। तो पैनल के अंदर जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो, जैसे कि ये हमने पैनल दिया हुआ है, ये पैनल के अंदर जो भी आपको ऑपरेटिंग करना है, ये स्पीड कंट्रोल दिया हुआ है, स्पीड कंट्रोल करना है, ऑन ऑफ का स्विच है, इमरजेंसी इसमें भी दिया हुआ है, पैनल को पूरा यहाँ से दिया हुआ है, इसके अंदर पूरा वायरिंग किया हुआ है, देख सकते हो कोई भी वायर खुला नहीं दिखेगा, पूरा वायर आपको लगा हुआ दिखेगा इसके अंदर। तो आपको इसके अंदर कुछ भी काम करना है तो बहुत ईजी आपको काम कर सकते हैं, और देख सकते हैं यहाँ से जो हमने आटा डाला था या प्रेस होके यहाँ पर आ गया, अभी ये पहली बार प्रेस हो रहा है, इसके लिए इतना इसमें अच्छा फिनिशिंग नहीं आया, ये सिर्फ और सिर्फ
सीड बना है, ये सीड बना, इसका काम सिर्फ सीड बनाने का है। अभी जो है सीड बन के आ चुका है, अभी ये इसको प्रेस करेगा। दूसरा रोलर में इससे भी अच्छा फिनिशिंग आने वाला है, तीसरा रोलर में इससे भी बढ़िया फिनिशिंग आने वाला है। तो आप देख सकते हो दूसरी बार यहाँ पे प्रेस होगा, और प्रेस होके तीसरी बार प्रेस होगा, और चार बार प्रेस होगा। और हर सिस्टम में हमने यहाँ पे अलग से इमरजेंसी दिया हुआ है, इमरजेंसी लगाओगे तो पूरा मशीन बंद हो जाएगा, और इसको खोलोगे तो पूरा मशीन वापस चालू होगा। तो सेफ्टी का हमने बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये मशीन में ये है, जिसका जो कतरन है ऑटोमेटिक है, रिटर्न ऑटोमेटिक होपर के अंदर जाती है। आप देख सकते हो ये रिटर्न बेल्ट हमने लगाया, ऑटोमेटिक है कतरन यहाँ से होके ऑटोमेटिक है होपर हमने जो दिया हुआ है आटा डालने के लिए उसके अंदर जाती है। और उसका भी हमने स्पीड कंट्रोल अलग से रखा है, तो उसका भी आप स्पीड कम और ज़्यादा अलग से कर सकते हो। और ये मशीन को चलाने के लिए सिर्फ एक ही बंदा चाहिए। आप देख सकते हो पूरा ऑटोमेटिक काम हो रहा है, ऑटोमेटिक एक बार जहाँ पे प्रेस हुआ दूसरी बार भी आप देख सकते हो ऑटोमेटिक प्रेस हो रहा है। तो पूरा आप उसको फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन भी आप बोल सकते हो दोस्तों। अभी ये तीसरी बार प्रेस होने जा रहा है, तीसरी बार प्रेस होगा और फाइनली चार बार प्रेस होके हमारी प्रोडक्ट कट के आ जाएगी। आप देख सकते हो ये तीसरी बार प्रेस हो रहा है और ऑटोमेटिक ये बेल्ट पे आ रहा है। आप देखिए तीसरी बार यहाँ पे प्रेस हो चुका है और ये तीसरी बार बेल्ट पे आ रहा है। अभी लास्ट बार प्रेस होगा। हम इसमें वन टाइम प्रेसिंग, टू टाइम से लेके आपको पाँच बार, छः बार, सात बार भी अगर प्रेसिंग मशीन चाहिए तो भी आपको जैक्सन मशीन से ईजिली मिल जाएगा। ये जो मशीन है वो 30 इंच चौड़ाई वाला रोलर बनाया हुआ है। इसमें आपको 10 इंच से लेकर 12 इंच, 14 इंच, 20 इंच, 24 इंच जैसा भी रोलर का साइज चौड़ाई चाहिए तो अपने प्रोडक्शन के हिसाब से आपको पूरा जैक्सन मशीन से मिल जाएगा। आपको अगर दोस्तों सूखा आटा भी लगाना है तो हमने यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, इसके अंदर हमने मोटर वगैरह फिट किया हुआ है। आप देख सकते हो इसका भी स्पीड आप अपनी हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। देखो आप सूखा आटा गिर रहा है, आप देख सकते हो कितना बढ़िया आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर सूखा आटा जितना भी कम ज़्यादा गिराना है, यहाँ पे हमने कंट्रोलर दिया है। अगर कम करोगे तो कम गिरेगा, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा गिर जाएगा। यहाँ पे हमने ये रोलर लगा हुआ, आप देख सकते हो इसके अंदर यहाँ पे रोलर लगा हुआ, आप देखिए इसके अंदर सूखा आटा डाल देने का ऑटोमेटिक आटा छिड़क जाएगा। जो अपना प्रोडक्ट आएगा उसके ऊपर आटा ऑटोमेटिक छिड़क जाएगा दोस्तों। ये फाइनल बार दोस्तों हमारा प्रेसिंग होने जा रहा है, ये अभी लास्ट बार फाइनल बार प्रेस हो रहा है। आप देख सकते हो ऑटोमेटिक लास्ट रोलर में जा रहा है और ऑटोमेटिक लास्ट बार प्रेसिंग होगा। आप देखिए पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है, एक ही बंदा चाहिए मशीन को चलाने के लिए। और ये हैवी ड्यूटी रोलर है, ये मिलेगा सिर्फ और आपको सिर्फ जैक्सन के पास, क्योंकि ये ओरिजिनल रोलर है। और यहाँ पे कटिंग हो जाएगा, आप देख सकते हो ओरिजोंटल वर्टिकल दोनों एक ही मशीन में होगा, एक ही जगह पे होगा और दोनों कटिंग होके लास्ट में आप देख सकते हो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनके रेडी हो दोस्तों। ये निमकी प्रोडक्ट हमने अभी बनाया है, अभी आप देख सकते हो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनके रेडी है। निमकी अभी कटिंग होके आ रही है, देखिए दोस्तों हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनके रेडी आ चुका है। देखो इसमें थोड़ा भी वेस्ट नहीं आता, क्योंकि हमने रोलर का डिजाइन इस तरह से किया है तो इसके अंदर थोड़ा भी वेस्ट नहीं होगा। आप देख सकते हो पूरा का पूरा कटिंग आ रहा है निमकी का। इसके अंदर आपको शक्कर पारा, नमक पारा, कुछ भी आपको निकालना है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हो कितना बढ़िया फिनिशिंग आ रहा है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है जैक्सन के ही मशीन में, इतना अच्छा फिनिशिंग और इतना अच्छा प्रोडक्ट निकलता है सिर्फ जैक्सन के ही मशीन से। देखिए दोस्तों ये प्रोडक्ट का फिनिशिंग कितना बढ़िया आ चुका है दोस्तों। आपको भी ऐसा या इसके अलावा और भी प्रोडक्ट चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया वो नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जैक्सन मशीन अहमदाबाद, नवनी देसाई। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।